समाज सेवा में सिंधी समाज सदैव आगे रहता है। राज परिवार से सिंधी समाज का बहुत गहरा नाता है। उत्ताशा के विचार स्वर्गीय लीलाराम ठारवानी की स्मृति में गोप स्वीट मार्तन कॉम्प्लेक्स में सोमवार को आयोजित निःशुल्क प्याव का उद्घाटन करते हुए महाराजा पुष्पराज सिंह ने व्यक्त किए। श्री सिंह ने आगे कहा कि जल ही जीवन है, इस भीषण गर्मी में आम लोगों को निःशुल्क पेयजल उपलब्ध कराना पुण्य का काम है। वरिष्ठ समाज सेवी सरदार प्रहलाद सिंह ने हंसमुख रंसार शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी रहे स्वर्गीय लीलाराम ठारवानी की स्मृति में लोगों को शीतल पेयजल उपलब्ध कराने पूरे ठारवानी परिवार को साधुवाद दिया। निःशुल्क प्याऊ के संचालक रवि ठारवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि निःशुल्क प्याऊ की ऐसी वापस ले 10 वर्षों से अनवरत जारी है। पूरे देश में जहाँ भी सिंधी समाज बहुतायत में है वहाँ प्याऊ की परम्परा है और यहाँ भी आपको मालूम है कि प्याऊ व्यवस्था रही है। बीच में चलित प्याऊ भी शुरू किया गया था और कई जगह से समाज के लोग प्याऊ की व्यवस्था गर्मी टाइम करते हैं। और इस तारतम्य मैं आपको एक और जानकारी दूं, जैसा कि जब हम लोग सिंध से आए बिल्कुल हैंड टू माउथ थे, जिसको हैंड टू माउथ कहा जाता है, बिल्कुल जड़ से उखड़े हुए थे। जो समाज रीवा में आया उसके ऊपर राज परिवार ने, महाराज मार्तन सिंह जूदेव ने, महाराज गुलाब सिंह जूदेव ने, उन्होंने बड़ी कृपा की और जानकी पार्क में जो दुकानें छोटी छोटी बनी थी लकड़ी, उस ज़माने में पूरा मैंने एक सेंटर था जानकी पार्क और ये सिंधी चौराहा बुरा तालाब, ये पूरा बेल्ट भी। सिंधी कम्युनिटी दूध और शक्कर के जैसे घुल मिल गई और आज तक रीवा के लोगों की सेवा कर रही है। रीवा के लोगों को व्यापार सिखाने का एक जो नया आयाम दिया, मैं मानता हूँ कि आपके वर्ग ने दिया, आपकी कम्युनिटी ने दिया। महामृत्युंजय में भी जल चढ़ता है और अंत में भी चढ़ता है, तो शुरुआत से अंत तक जल की आवश्यकता रहती है। आज यहाँ अगर प्यास बुझा रहे हैं और लीला जी के नाम पर अगर बुझा रहे हैं तो उनकी आत्मा तृप्त हो रही है। हर साल यहाँ पे खोला जाता है, हर साल यहाँ खोला जाता है। हर साल कई हमारे सिंधी कम्युनिटी के लोग पूरे शहर में खोलते हैं। मुझे बड़ा गर्व है कि हमारे शहर में रह रहे हैं और लोगों को बिजनेस के साथ साथ उसूल और समाज सेवा भी शिक्षित कर रहे हैं। रीवा से लेखराज मोटवानी की रिपोर्ट।